बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 4 को हमने एज अ इंट्रो जो है वो पढ़ा था, और अगर किसी को चैप्टर नंबर 5 पर डायरेक्ट आना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं आ सकते, बिल्कुल भी ये ऑप्शन नहीं है। तो उसके लिए डेफिनेटली पहले चैप्टर नंबर 5 को लाजमी जो है वो आप जितने भी लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिए, उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 5 की तरफ आइए। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और फॉर्मेटिंग डाटा को इंटर करने के बाद फॉर्मेटिंग जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। विदाउट फॉर्मेटिंग हमारे पास डाटा जो है, कोई भी डाटा जो है वो अच्छी प्रेजेंटेबल फॉर्म में नहीं होता, और वो आप ये कह लें कि उसका आउटलुक है वो अच्छा नहीं होता, और यूज़र के लिए ख़ास तौर पर अट्रैक्टिव नहीं होता। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी डाटा ऐड करते हैं, जो भी डाटा किसी भी वर्कशीट में ऐड कर लेते हैं, उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग भी की जाए। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है तरतीब देना डाटा को, या उसके कंटेंट्स को तरतीब देना फॉर्मेटिंग कहलाता है। हमारे पास आज जो हमने पढ़ना है, या इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं वो पहले मैं बता देता हूँ। एंटरिंग फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग डाटा, के कैसे आपने डाटा को इंटर करना है, कैसे उसका फॉर्मेट बनाना है, और कैसे उसके अंदर चेंजेस करनी है, एडिट करना है, तरमीम करना है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि हमारे पास ऐसे कौन से फॉर्मेट हैं जिस पर कोई कंडीशन अप्लाई की जाए, मतलब कोई शर्त रख दी जाए कि फ़लाँ नंबर जो है फ़लाँ नंबर से बड़ा हो तो ये रिज़ल्ट आ जाए वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें जो है सेकंड नंबर पे। और थर्ड पे सिलेक्टिंग नेविगेशन एंड मैनेजिंग वर्कशीट, आपके वर्कशीट के साथ क्या होने जा रहा है, ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो स्टार्ट करते हैं हम एंट्रिंग फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग डाटा। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है। एंट्रिंग फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग डाटा के अंदर हमारे पास जो है डाटा इंटर कैसे होगा जी, डाटा का फॉर्मेट कैसे बनाना है, उसको एडिट कैसे करना है, डाटा व्यू कैसे होता है, आपने डाटा को कॉपी या मूव कैसे करना है, और फॉर्मेटिंग नंबर्स जो है वो इंशाल्लाह हम लोग आज तो नहीं सारा कंप्लीट होगा, अगर हम देखें तो दो दो या तीन तीन करके इसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको ये समझ ना ही समझ आएगी और ना ही आप सीख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्किल बेस्ड है। तो चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 में हमें बहुत मज़ा आने लगा है, और हम लोग जब इसको सीखेंगे तो हमारी ग्रिप जो है एक्सेल पर इंशाल्लाह बहुत मज़बूत हो जाएगी, क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है डाटा को एडिट करना या डाटा को ऐड करने के बाद उसको तरतीब देना। हम जहाँ पर शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल होने वाली हुई तो वहाँ पर शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल भी करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह जैसे हमने पहले इस चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा, कि हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ई पर। ठीक है, इसको ओपन करेंगे, आपने क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, तो जो फर्स्ट है वो कहता है कि हाउ टू इंटर डाटा मैनुअली इन वर्कशीट, वर्कशीट के जो सेल्स हैं उनके अंदर डाटा को कैसे इंटर किया जाता है। तो कहता है कि देयर आर न्यूमेरस ऑप्शन टू मैनुअली इंटरिंग डाटा इन टू वर्कशीट सेल। डाटा कैन बी इंटर्ड वन सेल एट अ टाइम इन सेवरल सेल एट द सेम टाइम एंड इवन मोर देन वन वर्कशीट एट द सेम टाइम। वो कहता है कि डाटा जो है वो बड़ी आसानी से इंटर कर सकते हैं, एक ही वक्त में सारा डाटा भी इंटर कर सकते हैं, सारे सेल्स में एक वक्त में, आप जो है डिफरेंट सेल्स में एक ही वक्त में इंटर कर सकते हैं, आप अलग अलग वक्त में भी कर सकते हैं। और इवन वो ये कह रहा है कि अगर आपने डिफरेंट वर्कशीट्स के अंदर एक ही वक्त में डाटा इंटर करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो हमने इसको ओपन किया, और ब्लैंक वर्कशीट पर जब हमने क्लिक किया, डबल क्लिक किया, तो हमारे पास वर्कबुक जो है वो ओपन हो जानी है कुछ इस तरह। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ याद रख लीजिएगा, सी आर मीन कॉलम एंड रो, इसके कॉम्बिनेशन से आपके पास सेल आ जाएगा। ये देखें, नज़र आ रहा होगा आपको,
सबसे पहले हम तो ऐसा करते हैं कि कुछ ऐड वगैरह करके चेक करते हैं कि डाटा को कैसे ऐड किया जाता है। तो डाटा को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जी हम एक सेल में डाटा लिख लेते हैं 5 और एक सेल में डाटा लिख लेते हैं 6। और यहाँ पर हम इन दोनों को अगर ऐड करवाना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरह की कैलकुलेशन होती है। एक को हम कह देते हैं कि हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेशन है। डायरेक्ट कैलकुलेशन में होता है कि हम लोग जो फार्मूला बनाते हैं उस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को डायरेक्ट लिख लेते हैं। और एक हमारे पास होती है रेफरेंस कैलकुलेशन, या सेल्फ कैलकुलेशन भी कह सकते हैं। जो हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेशन है उसमें हम कैसे फार्मूला बनाएंगे, एक बात याद रखिए कि जब भी हम फार्मूला लिखेंगे तो इक्वल टू का साइन लाजमी इस्तेमाल करना है आपने। अगर आप इक्वल टू का साइन इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि जी ऊपर लिखा हुआ है 5 + 6, एंटर किया तो मेरे पास कैलकुलेशन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं डबल क्लिक भी कर सकते हैं और F2 प्रेस करेंगे तो ये एडिटेबल हो जाएगा। F2 प्रेस किया तो इक्वल टू जब इससे पहले मैं इस्तेमाल करूँगा तो तब ये मेरी कैलकुलेशन हो सकती है। जो ही मैं इंटर करूँगा तो देखें, ये हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेशन। क्यों डायरेक्ट कैलकुलेशन में हमने क्या किया, या आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या नज़र भी आ रहा होगा। तो जब आप देखा देखिए 5 + 6 यहाँ फार्मूला बार में आपको नज़र आ रहा है, इक्वल टू इस्तेमाल किया तो 5 + 6 11 हो गया। ये 5 है और ये 6 है, ये डायरेक्ट है। मैंने मतलब यहाँ पर किसी सेल का रेफरेंस नहीं दिया, बल्कि मैंने क्या किया है डायरेक्ट वैल्यू को लिख दिया है यहाँ पर। इसी तरह अगर रेफरेंस कैलकुलेशन की बात करें तो इक्वल टू, अब रेफरेंस कैलकुलेशन में मैंने क्या करना है, एक है A1, मतलब रेफरेंस ले रहा हूँ मैं A1, खुद से भी लिख सकते हैं प्लस, आप उसके अलावा जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। और एरो की मदद से भी आप इसको मूव करवा सकते हैं प्लस के बाद जो ही आप किसी सेल में जाना चाहते हैं, तो इसके बाद आप इंटर करेंगे तो आपके पास तब भी रिजल्ट 11 ही आएगा। लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि जब मैं वैल्यूज़ को ऐड करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तब रेफरेंस कैलकुलेशन में अगर मैं इनपुट वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं 6 कर देता हूँ, इंटर किया तो देखिए मेरे पास डायरेक्ट कैलकुलेशन में ये चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने किसी भी सेल का रेफरेंस नहीं दिया था, जबकि रेफरेंस कैलकुलेशन में ये हमारे पास चेंज हो गया, ठीक है। एक तो ये, दूसरा ये है कि मैं एक बेसिक सा कैलकुलेटर यहाँ पे बना लेता हूँ जिसमें मैं फंक्शन अप्लाई कर लेता हूँ एडिशन का, मतलब एक में मैंने ऐड कर दिया, एक पे मैं कह देता हूँ सब्ट्रैक्शन होगी, एक में होगी मेरे पास मल्टीप्लिकेशन और एक में मेरे पास आ गई डिवीजन। और इसके बाद वैल्यूज़ में बाद में भी लिख सकता हूँ, पहले भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल हो गया मेरे पास इनका टोटल, और इसको मैं मिडल लाइन कर लेता हूँ, चलें वो चीज़ें बाद में देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं फार्मूला ऐड कर लेता हूँ, पहले वैल्यूज़ लिख देता हूँ 2 and 3। और अच्छा एक चीज़ है कि अगर आप ने कोई वैल्यू लिखी है जैसे 5 लिख दी है और फिर इंटर करके आप नीचे आ सकते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मैंने जो है फॉरवर्डली जाना है नेक्स्ट सेल में, यहाँ से मैंने यहाँ पर आना है, तो एक तो ये क्लिक करके भी आ सकते हैं, और दूसरा जो मेथड है वो ये है कि आपने टैब प्रेस करना है। ये अभी मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो टैब प्रेस करेंगे तो इससे आप आगे की तरफ जाएंगे या एरो की मदद से वापस पीछे भी आ सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे तो नीचे की जाने आएंगे। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब भी डाटा हम इंटर करेंगे तो टैब या इंटर एक ऐसी की है जिसकी मदद से हम फॉरवर्डली या डाउनवर्ड जो है वो आ सकते हैं नेक्स्ट सेल की तरफ। अच्छा उसके बाद है मल्टीप्लाइकेशन, तो मल्टीप्लाइकेशन में हम कर देते हैं 6 and 3 और डिवीजन में हम लिख देते हैं 8 and 4। अच्छा अब अगर आप गौर से देखें तो जब मैं बाय डिफॉल्ट अगर मैं बात करूं तो जो मैंने नेम लिखा, मतलब मैं जो अल्फाबेटिकली जो भी लिख रहा हूँ, अल्फाबेट लिख रहा हूँ, इंग्लिश अल्फाबेट लिख रहा हूँ, तो वो जो है अलाइन हो रहे हैं मेरे पास लेफ्ट साइड पे। ये देखें मेरे पास लेफ्ट साइड पे अलाइन हो रहे हैं, जबकि कोई मैं नंबर लिख रहा हूँ तो वो राइट साइड पे अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। और टेक्स्ट को लिख रहा हूँ तो मेरे पास जो है लेफ्ट साइड पे अलाइन हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं अगर फ़र्ज़ करूँ अपना नाम लिख दूँ MASAUD, तो वो देखें ये मेरे पास यहाँ से मैं
सेल का साइज़ बढ़ा लेता हूँ, मतलब कि मैं इसकी विड्थ को बढ़ा लेता हूँ, और अगर मैं 1 2 3 लिखता हूँ तो ये देखें मेरे पास राइट साइड पे आ रहा है। हाँ ये है कि बाद में मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, कंट्रोल जी कमांड यूज़ कर रहा हूँ अंडू के लिए, तो वापस अंडू के लिए, और कंट्रोल वाई होता है रीडू के लिए। ठीक है, इसको जहन में रखिएगा, अगर आप कहते हैं मैं दोबारा बता देता हूँ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे पास ये फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, या कंट्रोल कौन सा है, या फला मला, क्योंकि आप लोग तो बिगनर्स हैं अभी, तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से भी आपको बता देता हूँ। तो मैंने कहा कि अगर आप कंट्रोल सी करेंगे तो अंडू हो जाएगा, और कंट्रोल वाई करेंगे, कंट्रोल वाई, तो ये देखें मेरे पास रीडू हो रहा है। ठीक है, और अगर वापस आना चाहिए तो कंट्रोल जी, ऐसी तरह कंट्रोल जी, समझ आ गई। तो ये तरीक़ाकार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, अब हम फार्मूलाज एंटर करते हैं। इक्वल टू, मैं एक फार्मूला आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से एंटर करना बता देता हूँ कैसे आपने एंटर करना है। तो ये देखें आपने करना इक्वल टू, ठीक है, उसके बाद दिस वन, और प्लस यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आपके पास न्यूमेरिक की पैड नहीं है तो आपने शिफ्ट एंड ये आप करेंगे तो आपके पास प्लस आ जाएगा, और इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप इंटर करेंगे तो आप ये देखें 5 आ गया। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आप अगर आप इंटर प्रेस करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इंटर करेंगे तो नीचे की तरफ जाने पाएगा, नीचे की तरफ, और अगर आगे जाना चाहते हैं तो टैब प्रेस करेंगे तो आगे की तरफ जाएगा। ठीक हो गया, तो मैंने आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पर भी बता दिया। तो ये हो गया, हमारे पास एडिशन होगी। उसके बाद मैं बात करता हूँ सब्ट्रैक्शन की, तो इक्वल टू दिस वन माइनस दिस वन, इंटर किया तो मेरे पास 2 आ गया, तो मतलब 5 में से 3 निकाले तो मेरे पास 2 बाकी रह गया। ऐसा उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, तो 6 3 ज़ा, यू नो बेटर अबाउट, 6 3 ज़ा 18, इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 3, इंटर किया तो मेरे पास 18 आ गया, और इस तरह इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय दिस वन, तो मेरे पास बाकी बच के 2, मतलब 4 8 को 4 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 बचता है। अब अगर मैं वैल्यूज़ को चेंज करूँ यहाँ पर, तो क्योंकि मैंने सारी सारी रेफरेंस कैलकुलेशन की हुई है, तो अगर मैं वैल्यूज़ को चेंज करूँ तो वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं चेंज करता हूँ, मैं फर्स्ट करें इसको 5 कर देता हूँ, 5 और 3 8 हो गया, और यहाँ पर मैं 8 कर देता हूँ, 8 और 3 5 हो गया, और इसी तरह मैं 4 कर देता हूँ, 4 और 3 समथिंग हो गया, और अगर इसको 45 कर दूँ तो 11.25 आ गया। इवन कैलकुलेशन जो है वो आप बहुत डेसिमल पॉइंट की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0.02589 करूँ तो ये मेरे पास 1.03 आ गया। तो अब बेसिक से कैलकुलेटर बन गया है, आप इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर इस इन सबको इनपुट को ख़त्म करते हैं सेलेक्ट करके, डिलीट प्रेस करके, तो आपके पास 0 आ गया, और बाद में आप जब 1 एंड 2 प्रेस करते हैं तो आपके पास ये देखिए 3 आ गया, और सब्ट्रैक्शन में भी इसी तरह 5 एंड 4, तो देखें 4 रह गया पीछे, और फिर 7 7 3 21 हो गया, और इसी तरह मैं कहता हूँ 40 डिवाइडेड बाई 10, तो 4 आ गया। तो इस तरह आप जो है एक बेसिक कैलकुलेटर को बना सकते हैं। मज़ीद अट्रैक्टिव करने के लिए मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर दूँ, ये सिर्फ डाटा एंटर हुआ है और फार्मूला, अब मैं इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको मज़ीद कोई फ़ॉन्ट कलर स्टाइल्स वगैरह ये मैं दे सकता हूँ। अच्छा, तो मैं सबसे पहले ऐसे करता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये मिड में होना चाहिए, तो मिड अलाइन कर देता हूँ, सेलेक्ट किया, और यहाँ से जाकर मैं अलाइनमेंट होम टैब के अंदर अलाइनमेंट में यहाँ से मैं इसको मिड कर देता हूँ। अब ये मिड हो गया, देखें अब थोड़ा सा अलाइन अच्छा हो गया, अब व्यू अच्छा दे रहा है ये। अच्छा, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई, एडिशन को मैं इनके सेल के कलर को यहाँ से चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ ये लेट्स सपोज ब्लैक कर देता हूँ, और फॉन्ट का कलर कर देता हूँ यहाँ से वाइट, ये देखें ठीक हो गया। और इसके बाद टोटल को मैं रेड कर देता हूँ, यहाँ से ये रेड हो गया, और इसके फॉन्ट का कलर मैं कर देता हूँ वाइट, भी कर सकते हैं, चलिए वाइट ही कर लें। अच्छा, वाइट हो गया जी। इसके बाद ये जो है इन सब को मैं कर देता हूँ येलो, तो यहाँ से येलो या ऑरेंज, चलें येलो ही कर देते हैं, येलो हो गया, और फिर मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, बॉर्डर यहाँ से अप्लाई होंगे, और ऑल बॉर्डर करूँगा, तो ये देखें सारे बॉर्डर, तो ये देखें अब प्रेजेंटेबल फॉर्म जो है वो अच्छी हो गई हमारे पास। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, कंट्रोल बी फॉर बोल्ड,
दोबारा बता देता हूँ, अनबोल्ड के लिए भी यही इस्तेमाल होगा। देखें मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया हुआ है कंट्रोल बी, तो इसे बोल्ड हो गया। साइज़ थोड़ा सा मैं बढ़ा सकता हूँ, शॉर्टकट की जो है उसकी होगी कंट्रोल शिफ्ट एंड ग्रेटर देन से साइज़ बढ़ जाएगा, देखें। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि यहाँ से बढ़ाना है तो यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, ये देखें साइज़ बढ़ा है इसका, और यहाँ से बोल्ड और अनबोल्ड भी कर सकते हैं। तो ये डिपेंड ऑन यू कि आप जो है इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं नहीं बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट स्टाइल, देखें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ जी मैं। अब मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर जो है वो शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखें मैं सिंपल सिक्स कहता हूँ तो 6 × 2 = 8 हो गया जी, और यहाँ पर मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल 5 तो 5 × 8 = 13 हो गया, और इसी तरह यहाँ पर मैं अगर 10 कहता हूँ तो 10 × 7 = 17। तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल फॉर्म में जो है मेरे पास एक छोटा सा बेसिक कैलकुलेटर हमने आज बनाया है, जिसको मैंने चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है वो आपको सिखा दिया कि चैप्टर नंबर 5 को हमने स्टार्ट किया और एक छोटा सा बेसिक कैलकुलेटर बनाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी और आप इसको बार बार देख के ट्राई करें, और फिर भी अगर समझ नहीं आती कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कांटेक्ट नंबर अगर मेरे जो पर्सनल स्टूडेंट्स हैं उनके पास मौजूद हैं तो आप जो हैं मुझसे पूछ सकते हैं। तो अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ, और अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कोशिश करें इसको, लाजमी प्रैक्टिस लाजमी करें इसको। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।